हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नवनीत एंड आज मैं लेके आई हूँ एक और नए प्रोडक्ट का रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड आईलाइनर्स बाय माय ग्लैम एंड दोज आईलाइनर्स आर फ्रॉम दैट पॉप एक्सो मेकअप कलेक्शन वाला रेंज। ये रहे वो, उन्होंने टोटल 6 शेड्स लॉन्च किए हैं एंड 6 शेड्स मेरे पास हैं। एक बॉक्स में 3 शेड्स अवेलेबल है, ये देखो। एंड तो मैंने दोनों बॉक्सेस परचेज कर लिए। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद परचेज किए हैं, तो मेरा रिव्यू भी एकदम ऑनेस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पॉप एक्सो मेकअप कलेक्शन बाय माय ग्लैम। ये लिक्विड आईलाइनर किट है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, दो बॉक्सेस हैं जिनमें 3-3 लाइनर्स हैं। एक है इसका वाइब, जिसमें आपको मिलेंगे ब्लू, रेड एंड पिंक कलर के लिक्विड आईलाइनर्स। एंड आई गॉट यू में मिलेगा ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन। एज आप देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग पिंक कलर की है। पॉप एक्सो के सारे माय ग्लैम के प्रोडक्ट्स इसी तरीके के चिक पैकेजिंग में आते हैं एंड उनकी जो कलेक्शन है वो भी बहुत ही चिक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक बहुत ही बिल्कुल कॉस्टली नहीं है एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। मैं आपको बोलूँ तो उनकी आई शैडो किट्स हैं, उनकी लिपस्टिक किट्स हैं, उनकी लिक्विड लिपस्टिक किट्स हैं मेरे पास, उनकी फिर उनकी नेल पॉलिशेज हैं जिसमें 3-3 या 5-5 नेल, इसमें 5-5 नेल पॉलिशेस का सेट है, ये भी उनमें से एक है। खैर हम पहले बात करते हैं इनकी। एक बॉक्स का कॉस्ट है ₹449। दैट मीन्स 449 में आपको 3 आईलाइनर्स मिल रहे हैं एंड लिक्विड आईलाइनर्स एंड दैट टू कलरफुल। मैंने जब इनको एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये देखने के लिए कि उसकी स्टेइंग पावर कैसी है एंड वो लगाते समय कैसा लगता है या लगाने के बाद उसकी फिनिशिंग कैसी है, मैट है या ग्लॉसी है या व्हाटएवर, तो मैंने इसे सुबह अराउंड 9:30 लगाया एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसकी स्टेइंग पावर की सबसे पहले बात करूंगी मैं, देन दैट इज कि ये रात तक वैसे के वैसे ही थे। नाउ लेट मी शो यू द शेड्स। तो सबसे पहले हम खोलते हैं आई गॉट यू। इसकी पैकेजिंग आपने बाहर से देख ली है, मैं अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर से ये आईलाइनर्स कैसे दिखते हैं। तो अंदर से ये कुछ इस तरीके से फिटेड आते हैं एंड ये रहा आईलाइनर। पूरी वाइट बॉडी है इसकी, लेकिन जिस कलर का वो आईलाइनर है उस कलर से इसका यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। जैसे ये ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन से लिखा हुआ है एंड ये ब्राउन है तो यहाँ पे ब्राउन से लिखा हुआ है एंड तीसरा वाला ब्लैक है तो ब्लैक से लिखा हुआ है। सब वाइब में निकलेंगे हमारे 3 शेड्स, एक है पिंक, एक है रेड एंड एक है ब्लू। रहे वो 6 आईलाइनर्स एंड सबसे पहले इसका हैंड वॉश दिखाऊंगी एंड देन मैं इसे अप्लाई करूंगी। लेट्स ओपन द ब्लैक वन एंड ये रहा अंदर से कुछ इस तरीके से है। यस, इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी स्मॉल है एंड मुझे स्मॉल एप्लीकेटर्स से लाइनर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट खैर अफोर्डेबल लिक्विड लाइनर्स मिल रहे हैं कलरफुल तो इट्स ओके। तो ये रहा ब्लैक लाइनर। नाउ दिस इज द ब्राउन वन। इतना मोटा नहीं लगता है ये कि मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखे वीडियो पे। बाय द रेड वन, रेड एंड पिंक वन आर क्वाइट यू नो क्वाइट क्रिएटिव कलर्स, सो काफी अच्छे लुक्स इसके साथ क्रिएट किए जा सकते हैं। ये रहा रेड, ये रहा ग्रीन, हियर कम्स द पिंक वन and last but not the least is the blue one. So guys, as आप देख पा रहे हो ये swatches हैं, ये अभी गीले हैं बोल के शाइन मार रहे हैं, नहीं तो ये ना ही पूरा टोटली मैट है ना ही ये ग्लॉसी है, ये बीच में उसके बीच में कुछ आते हैं जो लगने के बाद अच्छे लगते हैं
बिल्कुल स्टिकी नहीं फील होता, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइज। ये वाटर प्रूफ है, वाटर से नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर आई मेकअप रिमूवर चाहिए, क्लींजर, क्लींजिंग मिल्क, ये सब से भी ये नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं मिटते ऐसे। इसीलिए तो मैंने बोला था ना उस समय कि सुबह से लेके शाम तक ऐसे का ऐसे ही टिका हुआ था मेरी आंखों पे। पिगमेंटेशन भी आप देखो तो काफ़ी अच्छी है, इसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। सारी इसका टोटली मेरे तरफ से रिव्यू जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस इज दैट कि इसका जो एप्लीकेटर है वो छोटा है, एंड छोटे एप्लीकेटर की वजह से समटाइम्स किसी किसी को लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। एटलीस्ट इतना बड़ा एप्लीकेटर होना चाहिए था जैसे कलोसल वाला वगैरह सब में है तो शायद अच्छा रहता। एंड ये ब्रश एप्लीकेटर है, ये पॉइंटेड टिप एप्लीकेटर नहीं है। सो गाइज इट्स टाइम फॉर मी टू अप्लाई इट ऑन माई आईज। मैं सारे शेड्स एक एक करके अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, एंड बाकी जो मैंने इसके बारे प्लस एंड माइनस बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज माई आई स्वॉचेस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज सबसे पहले मैं लेके आई हूँ पिंक एंड ब्लू वाला, तो ये रहा पिंक वाला एंड ये रहा ब्लू वाला। मैं पिंक आईलाइनर को इस तरीके से नहीं लगाऊंगी कभी भी, ये बस मैंने आपको शो करना था कि अगर ऐसे आप अलोन लगाते हो तो कैसा लगेगा। सो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं इसे हमेशा एज अ ग्राफिक आईलाइनर लुक के लिए यूज करने वाली हूँ, जस्ट लाइक कि अगर ब्लैक लाइनर मैंने लगा दिया है एंड पिंक से उसके ऊपर कुछ ग्राफिक डिजाइन बना दिए, सेम विथ द रेड वन। पिंक एंड रेड मैं ग्राफिक आईलाइनर के लिए ही यूज करूंगी। एंड यस, मैं ऐसा एक दो लुक्स शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड भी करूंगी, आप लोग जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसके लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। गाइस ये अब मैंने लगा लिया है रेड एंड ग्रीन, तो हियर इट इज। ये रेड टूवर्ड्स ऑरेंज ज्यादा है, टूवर्ड्स मेरून नहीं है, ये टूवर्ड्स ऑरेंजिश है, ऑरेंजिश रेड इसको आप बोल सकते हो। एंड इट लुक्स क्यूट। लास्ट पेयर गाइस, मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ। ये ब्राउन कलर है एंड ये ब्लैक कलर है, मुझ पे ब्राउन आईलाइनर सूट नहीं करता है, दैट इज व्हाट आई फील। एंड आई हैव दिस यू नो एक अजीब सा पता नहीं क्या कि मुझे लगता है कि मुझ पे ब्राउन आईलाइनर सूट नहीं करता है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दीज न्यूली लॉन्च्ड ब्यूटीज बाय पॉप एक्सो इन एसोसिएशन एक्सक्लूसिवली ऑन माय ग्लैम। एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे ये लाइनर्स बहुत अच्छे लगे, इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज द एप्लीकेटर, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, बाकी उनका मुझे पता नहीं। हो सकता है कि आप लोग उसके साथ कंफर्टेबल हों। ये मस्ट ट्राई है स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए जिन्हें नया नया शौक होता है स्कूल, सीनियर स्कूल में, कॉलेज में लाइनर्स। एंड डू ट्राई दिस गर्ल्स, डू ट्राई दिस, बहुत अच्छे लाइनर्स हैं। आप पिंक कलर लगाओ, रेड लगाओ, जो मर्जी लगाओ, इट लुक ऑसम। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट विद द रिव्यू, दैट्स इट विद द प्रोडक्ट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसका रिव्यू सैटिस्फैक्ट्री लगा हो, अगर आपने भी नहीं यूज़ किया हो और आपकी भी वही फीलिंग है जो मेरी है इन्हें लेके, तो इस वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बाय बाय।